आदरणीय हेडमास्टर सर, प्रकाश सर, कैप्टन थे, वाइस कैप्टन, वेलबिंग हाउस, प्यारे बच्चों नमस्कार। नमस्कार सर। बच्चों जिया के तुसे पता है क्या अपनी भारतीय भाषा उत्सव कंपेन दे लास्ट हफ्ते ही पूजी है, ठीक है? यस सर। असें बड़ी सारी एक्टिविटीज की थी, ठीक है ना? यस सर। हूँ जरा साढ़ा ग्यारहवा हफ्ता है, सेवंथ वीक जरा है, इस 7 दिसंबर कशा लेइए तो 11 दिसंबर तक चलना। और ये जिस आदमी दे पीछे ये सारा प्रोग्राम हुआ उसका नाम है सुब्रमण्यम भारती, ठीक है? बड़ी एक ताजुब की गल है कि अस बड़ी कोशिश करते हिंदी सीखने ना, अस हिंदी सिखाउंदी, बड़ी कोशिश करते इंग्लिश सीखने ना, अस इंग्लिश सीखी सकते, बड़ी कोशिश करते इवन अस अपनी भाषा च गल नहीं करी सकते कुसे सामने, करी सकते? लेकिन ये बंदा जेड़ा हा इसी 14 भाषाओं का ज्ञान था, ठीक है? और इन्हें लोगों किन्नी हिम्मत की होग इस देश की आजाद करने, तुसी मेहरबानी है कि तुसे बच्चे क्या करना, इसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़नी कि सुब्रमण्यम भारती कौन था, इन्हें क्या किया, ठीक है? तुसी अब थोड़ी जी हिस्ट्री सुनाएड़ा कि सुब्रमण्यम भारती जेड़े है वो 11 दिसंबर 1982 की पैदा हुए, तमिलनाडु का थूथुकुडी एक ग्रां था, उसे इनका जन्म होया, ठीक है? ते इन्हें किन्निया भाषा होंदिया हैं, संस्कृत, तमिल, हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, फ्रेंच ते अरबी। इन्हें क्या किया? एक बाइक कास्ट जेड़े जी आज जाति सिस्टम आखदे ना उसके खिलाफ इन्हें लड़ाई लड़ी, ठीक है? इन्हें आख्या कि सारे लोग एक बराबर होने चाहिए, और जेड़ी उस वेले अंग्रेजों के खिलाफ चला करती थी लड़ाई उसके खिलाफ इन्हें कोई हजारों का कोई मालिक है। लेकिन एक सबसे बड़ी अच्छी गल है कि ये तमिल दे रहने वाले है और इन्हें तमिलनाडु की तमिल लैंग्वेज ज्यादा लिखा है, जेड़ी सारी अपनी भाषा होंगी उसी अस ज्यादा जोर देंगे, अपनी भाषा चीजें जड़ियाँ वो ज्यादा समझ आती है ना। तो इसकी खातर इन्हें क्या किया कि इन्हें तमिल लिखा, और इन्हें ना सिर्फ हिंदी की हिंदू देवी देवताओं के उपर कविता लिखिया, बल्कि इन्हें जीसस ऊपर कविता लिखिया, अल्लाह ऊपर इन्हें कविता लिखिया, डेडिकेटेड टू अल्लाह, ठीक है? आज आखते नहीं जी हम हिंदू हाँ तो मैं अल्लाह अकबर आखना ही नहीं, मैं मुसलमान हाँ जी मैं कल जय श्री राम आखी होना पता नहीं मैं हूं मरी जाना, एक कख नहीं होंगे, अल्लाह जय श्री राम भगवान ये सारे एक चीज, अस बंदे सारे एक ने हैं, कोई कुछ है, ठीक है ना? उस वेले जिन्हें भी ये सारे समझदार लोग है, जिन्हें भी बुद्धिजीवी लोग है, असें बच्चे अस जेड़े अज दी जनरेशन आ असें इनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, ठीक है? ये सुब्रमण्यम भारती ऊपर जिन्ना भी तुस नॉलेज जिन्ना भी तुस इलम ग्रहण करी सकदे तुसें कोशिश करनी, और कल कशा तुसें केह करना हरेक बच्चे ने सुब्रमण्यम भारती दी जिंदगी दे बारे च चार चार लफज याद करी याद, ठीक है? ये यूट्यूब ऊपर इंडिया वीडियो तो देख सकदे, सुब्रमण्यम भारती इन्हें भारतीयार भी आखदे, महाकवि भी आखदे ने, ठीक है? समझ आई? ते हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने इंदे नाम ऊपर जेड़ा कोई बढ़िया लिटरेचर लिखदा या कविता लिखदा तो उसके और सुब्रमण्यम भारती अवार्ड भी रखे रहा है, ठीक है? ये 1987 शुरू किया है हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने, समझ आई? कोशिश करनी कि तुस भी कविता लिखो, अपनी भाषा च लिखो, हिंदी लिखो, अंग्रेजी च लिखो, ते अपने अंदर एक जज्बा ना कि 1982 पैदा होने वाला बंदा अगर इन्ना किश करी सकदा ते आज ते इस 2023 मतलब आई दे या अस 19वीं 20वीं सदी च बंदे जेड़े पैदा होए दे ते साढ़े च ते ज्यादा अकल होनी चाहिए ना, अस ते मॉडर्न जनरेशन है ना, ते असें केह करना कि इन्हें लोकें दी दित्ती दी आजादी, इन्हें लोकें दी कीती दी कुर्बानी, इन्हें लोकें दा साहस, इन्हें लोकें दा जेड़ा दस्से दा सबक, इसके ऊपर असें चलना ते इसी असें छड़ना नहीं, ठीक है? समझ आई? ताए करिए आस के आखदे अपने देश की और अग्गे बधाई सकदे या अस तरक्की करी सकदे, अस पढ़ाई करी सकदे, ते अस अगर इन्हें संस्कारें ही भुली जाके, इन्हें परिश्रम जिन्ना भी इन्हें कोशिशां कीतियां इन्हें लोकें अगर अस इन्हें भुली जाके, मनो एक अस अपने बुजुर्गें ही भुली जाके, अस आखदे नहीं जी साढ़े बुजुर्ग अकलमंद नहीं है, अस बड़े अकलमंद आ, तां कम चलना जेड़ा वो खत्म होई जाणा, ठीक है? तो सो रिक्वेस्ट है तुसी कि ये जड़ी एक हफ्ता साड़ी एक्टिविटी चलनी है 7 कशा लेइए 11 मतलब अज्जे दा शुरू है, ते 11 दिसंबर तक तुसें जड़ा पूरी तरह कने तैयारी करनी, अपनी कताबां भी पढ़नी है, नहीं गल के हुण तुस
ਛੱਡੀ ਦੇ ਕਿਹਨੇ ਭਾਰਤੀਆਰ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਭਾਰਤੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿ ਇਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਯ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯੈਸ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ